वेलकम वेलकम बच्चों की दुनिया में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। सो व्यूअर्स, बच्चों की दुनिया में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा, दूध वाला सूजी का हलवा, जो कि बहुत ही मजे का बनता है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है, कमाल का तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को जरूर 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 ट्राई कीजिएगा हमारी वीडियो को, रमजान स्पेशल रेसिपी आप इफ्तारी में खा सकते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ, तो बहुत ही मजा आता है खाने में। तो आइए देखते हैं कि ये रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है और ये कैसे बनाई जाती है। इसके लिए मौजूद चाहिए, तो ये हमारे पास दूध फ्रेश और क्रीम समेत है और इसे हम लोगों ने पका लिया। तो इसकी क्वांटिटी है 1 kg यानी कि 1 kg। तो 1 cup हम लोगों ने लिए सूजी, तो 1 cup सूजी है तो 1 cup ही चीनी लेंगे, 1 cup ऑफ शुगर एंड 1 cup ऑफ सूजी। तो यहाँ पे हमारे पास है 1/2 cup ऑयल यानी कि 1/2 cup ऑयल, आप चाहे तो घी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 10 अदद बादाम और इन्हें हम लोगों ने चॉप कर लिया, 10 अदद खजूरें इन्हें भी हम लोगों ने काट लिए इस तरह पीसीज में, 1 tablespoon हम लोगों ने लिए इलायची, तो इन्हें हम लोगों ने इस तरह खोल लिए और इनके अंदर जो सीड्स होते हैं वो हम लोगों ने बाहर निकाल लिए। तो ये हम ऐड करेंगे, तो छिलकों समेत ऐड करेंगे। तो इसकी ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और जायके में भी इजाफा होता है, अच्छा जायका होता है। तो ये खजूरों और बादाम जितनी हम लोगों ने गिरी भी लिया और इन्हें भी हम लोगों ने काट लिए। तो अब देखते हैं, नारियल हम लोगों ने लिए इन तीनों की क्वांटिटी एक जैसी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ले लेंगे हम लोग एक देखिए, उसके अंदर ऐड करेंगे दूध, जैसा कि आप लोग नॉर्मली घर में चाशनी बनाते होंगे यानी कि शीरी बनाते होंगे, तो वो आप पानी की बनाते हैं, तो आज हम लोग दूध की चाशनी बनाएंगे। तो ऐड करेंगे इसके अंदर चीनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सोवेस। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये बॉयल हो जाए और जो हमारी चीनी है वो एकदम डिसॉल्व हो जाए। सोवेस ले लेंगे हम लोग किसी भी साइज़ की कढ़ाई और नीचे से फ्लेम है मीडियम, तो कढ़ाई में डालेंगे हम लोग 1/2 cup ऑयल और अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे सूजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग मिक्स कर लेंगे, तो अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे। आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लेरिफाइड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सो गाइस, इस तरह हम लोग भून रहे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ हम लोगों ने दूध को गैस बंद कर लिए, फ्लेम ऑफ कर दिया हम लोगों ने। तो जैसा कि आपको पता चले कि शुगर डिसॉल्व हो गई, तो फिर आप लोग फ्लेम ऑफ कर दें। तो अब हम लोग इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे तब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कलर अल्हम्दुलिल्लाह हल्का हल्का चेंज हो रहा है। सो गाइस, कलर अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। सो गाइस, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध और ज़रा एहतियात से ऐड करना है, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो ज़रा आप देख सकते हैं कि आवाज़ आएगी, धुआं काफ़ी उड़ रहा है। तो आप लोगों ने चम्मच साथ साथ हिलाते जाना है, तो इस तरह हम लोग चम्मच हिलाते जाएंगे। सुबह सब चम्मच हिलाते जाना है और इसे पकाते जाना है जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती, जब तक कि सूजी और इसका मिक्सचर गाढ़ी नहीं हो जाती। तो हम लोगों ने फ्लेम नीचे से मीडियम रखी है यानी कि आंच दरमियानी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सूजी हमारी गाढ़ी हो रही है, तो जब ये एकदम परफेक्ट गाढ़ी हो जाएगी तो फिर हम लोग इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो चलिए अब तब मिलते हैं जब ये एकदम परफेक्ट गाढ़ी हो जाएगी। सो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह गाढ़ी हो चुकी है हमारी सूजी। तो अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे वो 3 चीज़ें जो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। और तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे
नारियल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ी थोड़ी हम लोग ऐड कर देंगे और थोड़ी थोड़ी बजा के रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो अब हम लोग ऐड करेंगे खजूरें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है और खाने में भी अच्छी लगती है बहुत ही ज़्यादा। तो अब हम ऐड करेंगे इलायची, तो ये भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत ही कमाल का होता है जैसा कि आपको पता होगा। तो अब हम लोग ऐड करेंगे बादाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम लोग अच्छे तरीके से हिला लेंगे ताकि ये सब जगह तक पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिक्स कर रहे हैं हम लोग। तो अब हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये हर जगह तक पहुँचे। और अब हम लोग 2 मिनट तक इसे पकाएंगे तो फिर हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं 2 मिनट बाद। तो हम लोग अच्छे तरीके से इस तरह पकाते जाएंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं। सो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारा हलवा और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब हम लोग इसे सर्व करेंगे, किसी भी बाउल में निकाल लेंगे, किसी भी डिश में आप निकाल सकते हैं। तो वैसे अब हम लोग इसे सर्विंग बाउल में डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोग किसी भी डिश में निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो सर्विंग बाउल में हम लोग डालेंगे। तो पहले हम लोगों ने ठंडा होने के लिए रख दिया था, जब थोड़ा सा ठंडा हुआ तो फिर अब हम लोग सर्विंग बाउल में डाल रहे हैं। तो जब हम लोग सारा सर्विंग बाउल में डाल देंगे जितनी उसकी कैपेसिटी हो, तो फिर हम इसकी गार्निशिंग करेंगे कुछ चीज़ों के साथ, मसलन पिस्ताशू यानी कि पिस्ता और नारियल और खजूरों के साथ। तो आप चाहें तो कुछ और ड्राई फ्रूट्स के साथ भी कर सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो, जो आप लोग आसानी से आपके घर में अवेलेबल हो तो उससे आप लोग गार्निशिंग कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है उन आइटम्स के बारे में। तो अब हम लोगों ने इसे बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया, तो हम लोग इसे अपने टेबल पे ले जाते हैं और गार्निशिंग करते हैं। तो वैसे अब हम लोग गार्निशिंग करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वैसे तैयार है हमारा दूध वाला सूजी का हलवा, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बहुत ही कमाल का तैयार हुआ है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ बच्चों की दुनिया को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मैं, उमर और आयशा तो जा रही हैं, ये खाने रेनी डे है तो इसलिए बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो चलिए हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अच्छी लगी है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में जो आइकॉन है उससे आने वाली मेरे हर रेसिपी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।